हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कोरल ड्रो। स्टूडेंट्स, कोरल ड्रो के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके आए आपके लोगों के सामने। जैसे कि हम ये बात करते हैं हमें लोगो डिज़ाइन करना, तो लोगो डिज़ाइन में एक व्हाट्सअप लोगो है। स्टूडेंट्स, ये व्हाट्सअप लोगो हम आपको आज बताने वाले हैं। एक्चुअली लोगो डिज़ाइन करने के बाद स्टूडेंट्स आप दिन के हज़ारों रुपये कमा सकते हो। आप जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क होता है ज़्यादातर लोगों पर कॉन्सेंट्रेट होता है कि लोगों कैसे क्रिएट करना है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो व्हाट्सएप का लोगो है इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जूम टूल का यूज़ किया, साइज बड़ा किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाकर पेज लेआउट पे जाके इसका कलर सॉलिड लेके मतलब चॉइस किया मैंने यहाँ से ग्रे। ओके, तो देखिए इसका बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड मैंने ग्रे कलर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से एक स्क्वायर लिया, यहाँ से रेक्टेंगल शेप लेने के बाद मैंने शेप टूल पे गए और इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया। ग्रीन थोड़ा लाइट चाहिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लाइट ले लीजिए। आप देख लीजिए कितना लाइट चाहिए। फिर मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको मैंने छोटा किया और राइट क्लिक करके छोड़ा, तो इससे क्या हुआ, इसका डुप्लीकेट शेप आ गया। फिर मैंने राइट क्लिक किया वाइट कलर के ऊपर, राइट क्लिक किया, फिर मैंने इसका विड्थ मोटा कर दिया, ये देखिए। फिर मैंने शेप टूल पे जाके इसको मैंने ऐसे गोल कर दिया, ये देख सकते हो। अभी भी दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा चौड़ा है, तो मैंने इसको ऐसे गोल कर दिया। देखिए अब थोड़ा गोल हो गया, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको भी ऐसे छोटा कर दिया। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद मैंने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटर टू पेज कर दिया। देखिए पूरे पेज के सेंटर पे आ गए, सारे पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे है। उसके बाद मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने ये जो लिया इस पर राइट क्लिक कर दिया, तो ये हमारा ऐसे बन गया व्हाट्सएप लोगो के ऊपर। उसके बाद आप इसको और भी आप थोड़ा सा आगे करना चाहोगे तो ऐसे आप कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो आप देख रहे हो इसका विड्थ बहुत ही मोटा लग रहा है, तो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हो। अब जो आप देख रहे हो इसको और छोटा करना है, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ छोटा कर सकते हो। अब देखिए ये जो बना हुआ है ये प्रॉपरली सेट नहीं है। प्रॉपरली सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ से इस कॉर्नर को बड़ा किया। उसके बाद मैंने पेन टूल का यूज़ किया और फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पर ऐड किया। आप देख सकते हो ऐसे व्हाट्सएप के लोगों पे हमारा इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका शेप इसके साथ हमने ऐसे अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो इसका कितना विड्थ है 12, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और इसका भी मैंने कर दिया यहाँ पे 12, तो उसी शेप पे ही आ जाएगा। आप यहाँ पे भी 12 कर दीजिए, एंटर कीजिए, देखिए सेम ऐसे आ गया। फिर आपने इस पे राइट क्लिक किया, देखिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, आप अगर यहाँ पे लेके आ रहे हो तो इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाला आउटलाइन आपको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे बेल्ट कर दिया। अब बेल्ट करने पर स्टूडेंट देखिए ऐसे जुड़ गया आपका, और इसके अंदर मैंने कलर हटा के फिर मैंने इसको जूम किया। अब जूम करने के बाद स्टूडेंट देखो इसमें क्या बनाया आपका, कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाया हमारा। अब मैंने क्या किया, देखिए ये जो देख रहे हो इसको मैंने यहां से इसको सेट किया इस तरीके से। इसको मैं साइड में लेके आ गया। अगर आपके यहां पे कुछ भी ऐसे लाइन बना हुआ है एक्स्ट्रा, तो आप यहां से हटा सकते हो। यहां पे जाना है स्टूडेंट इस तरीके से, आप इसके अंदर कलर कर दो। अब आपके पास स्टूडेंट ये दो शेप है, आप यहां पे क्लिक करके इसका भी कलर सेम कर दो, ये देखिए स्टूडेंट्स आप आपके कलर ये पकड़ नहीं पाएंगे, ये देखिए। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट करके
मैंने इस पर कर दिया ग्रीन कलर इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को यहां से सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहां पे अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट करके सेंटर टू पेज कर दिया। अब देखिए बीच में आ गया, ये मैंने सेंटर कर दिया यहां पे ऐसे। उसके बाद मुझे यहाँ पे आइकन लेके आना है, तो आइकन कहाँ से लेके आएंगे देखिए, मैं टेक्स्ट टूल पे गए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, फिर मैंने टेक्स्ट टूल यहाँ से ले लिया, इंसर्ट कैरेक्टर, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेबडिंग पे गए, वेबडिंग पे आप देख सकते हो बहुत सारे शेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये वाला आइकन चाहिए। यहां से मैंने इस शेप को कैसे लेना होगा स्टूडेंट्स, इसको आप उठा के ऐसे मूव भी कर सकते हो, जैसे मूव किया आपने यहां पे प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहां पे आ गया। उसके बाद जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको बड़ा कर देना, फिर आप इसको ऐसे घुमा देना और फिर आप इसको यहां पे लेके आओ। तो स्टूडेंट्स यहां पे वाइट कलर करना होगा आपको। स्टूडेंट्स आप इस तरीके से आप व्हाट्सएप का लोगो बना सकते हो, इसके और भी कुछ तरीके होते हैं व्हाट्सएप के लोगो का, तो आज मैंने आपको व्हाट्सएप का लोगो बनाया स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।